नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रेलवे ग्रुप डी 2019। तो आज हम लोग बताएंगे आपको 11 अप्रैल 9 बजे तक का जो डेटा है, किस जोन से कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, ठीक है। और सारा का सारा लाइव प्रूफ के साथ बताया जाएगा, कुछ भी हवा में आपसे नहीं बात किया जाएगा, ठीक है। और जितने भी यूट्यूब पे वीडियोज आप देख रहे होंगे, सबका सब जो है सो कि हर एक का किसी का 100% डेटा करेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो है सो कि चूंकि सब कुछ आपके सामने होता है, लाइव होता है आपके सामने, इसीलिए फेक होने का तो कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है। और ये हम लोगों का मतलब कि किस जोन से कितना फॉर्म फिलअप, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ग्रुप डी का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, फिर हम लोगों का एएलपी का रिजल्ट आया, तो देख पा रहे होंगे कैसे जोन वाइज मतलब कि हम लोगों का जो है कट ऑफ डिफर कर रहा है। किसी जोन का 40 कट ऑफ जा रहा है, किसी जोन का 70 कट ऑफ जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों के पास जो भी डेटा अवेलेबल है तो उसको हम लोग यूज करें अच्छे से। जिन लोगों की भी तैयारी पूरी है, जो कि 100 में 90-95 ला सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो अपना घर के पास से फॉर्म भरिए, घर के पास जॉब कीजिए। लेकिन जिन किनों को भी लगता है कि एक दो नंबर से उनका सिलेक्शन रुक सकता है, या तो मतलब जो है सो कि कट ऑफ कम जाए उस जोन से हम फॉर्म फिलअप करें, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो वो इस वीडियो को देख करके अपना कॉम्पिटिशन का अंदाजा लगा लीजिए कि उनको किस हिसाब से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अपना जो अभी हम लोग का टॉप 5 जोन है, जो कि हम लोग का सेफ जोन। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है सो कि एकदम पूरा टाइम के साथ आपको बताते हैं, ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो भी हम लोगों का जिस जोन से संबंधित जो भी जानकारी होगी सारा आपको बताते जाएंगे, ठीक है। कोई भी जो है सो कि आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोग का वेस्टर्न रेलवे मुंबई। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 8:15 AM तक यहाँ पे जो है सो कि 7,88,113 फॉर्म फिलअप हो चुका है, जबकि इससे पहले जिधर हम लोग देखे 7:08 में, मतलब एक घंटा पहले था 7,85,000। तो एक घंटा में केवल जो है सो कि 3,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हो गया। हालांकि ये रेशियो इंक्रीज नहीं हुआ है, 73 ही बना हुआ है ये, ठीक है। 10,734 वैकेंसी था। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर हुबली है, तो यहाँ पे 5,39,067 फॉर्म फिलअप हुआ है। ये डेटा जो है 8:19 का है, और यहाँ पे वैकेंसी जो है यहाँ पे 8:19 का, जबकि 7:11 में यहाँ कितना था, तो 5,38,352। तो देख सकते हैं एक घंटा में लगभग 1,000 के आसपास इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये उतना तेजी से इंक्रीज नहीं कर रहा, लेकिन ये मुंबई जोन को बहुत तेजी से डेटा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया, ठीक है। 7,167 एक सीट पे, यहाँ पे 75 कैंडिडेट्स फाइट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का साउथ ईस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता है, यहाँ पे कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, 3,87,247। ये डेटा जो है 8:24 AM का है। ये कोलकाता की हम लोग बात करें तो 7:14 AM में जो डेटा था वो था 3,85,490। तो लगभग देख सकते हैं एक घंटा में 2,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ, इसका भी रेट इंक्रीजिंग रेट जो है काफी अच्छा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो वैकेंसी है 4,914, एक सीट पे 78 कैंडिडेट्स फाइट करेंगे। और कोलकाता का जो हम लोगों का कट ऑफ था ग्रुप डी का 80 नंबर था, वो बहुत ज्यादा हाई गया था, लेकिन एएलपी का जो कट ऑफ था वो हम लोग का 57 नंबर था, CBT2 का जो रिजल्ट आया था एएलपी का। उसी तरह से हम लोग ये बात करें सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है, तो इसका हम लोगों का क्या है, 7,19,651। ये कब का डेटा है, 8:32 AM का है, ठीक है, 8:32 AM का है। तो हम लोग का मुंबई का क्या पहले था, 7:16 पे हम लोग का 7,18,012 था, मतलब कि एक घंटा में लगभग 1,000 के आसपास इंक्रीज हुआ था। ये उतना तेजी से इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ वैकेंसी कितना है, 9,345 वैकेंसी है। एक सीट पे कितने एप्लीकेंट है, यहाँ पे 77 एप्लीकेंट है एक सीट पे, ठीक है। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे चेन्नई का, तो चेन्नई में क्या है, 7,57,573। ये डेटा जो है 8:35 का है। यहाँ पे कितना फॉर्म फिलअप, वैकेंसी कितना है, 9,579 वैकेंसी है। एक सीट पे कितने एप्लीकेंट है, तो 79 एप्लीकेंट्स है एक सीट पे, ठीक है। इधर चेन्नई का कट ऑफ का बात करें तो 71 गया था ग्रुप डी का कट ऑफ, जबकि हम लोग का एलपी CBT2 का कट ऑफ जो है 59 गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कि कितना कम, ये जो टॉप 5 जोन हम लोग का जो सेफ जोन है, यहाँ पे कितना कम कैंडिडेट है एक सीट में। यदि अगर आप लोग देखिए इलाहाबाद का देखे, गोरखपुर का देखे, जयपुर का देखे, तो इधर इलाहाबाद से कंपेयर करें तो मान लीजिए कि उनकी इसमें हाईएस्ट 80 भी मान लेते हैं यहाँ पे, तो 80 यहाँ पे 170 कैंडिडेट्स को अभी यहाँ केवल जो है सो कि साइड कर दे रहे हैं। मतलब कि ऑब्वियस ही बात है कि जिस जहाँ पे कैंडिडेट कम रहेंगे तो वहाँ कट ऑफ कम जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा एक्चुअली कल रात का 8 बजे तक का है। टॉप 5 जोन पे मेरा मेन फोकस है अभी, ये हम लोग का जो है टाइम के साथ मैंने आपको बता दिया है। और हम लोग का कुछ कुछ इसमें सेफ जोन है, जैसे एक सिकंदराबाद है, आपको एक ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है, वहां पे भी 81 के आसपास है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं अभी बनाऊंगा, लगभग आपको डेटा मिलेगा 12 बजे तक का एक डेटा मिलेगा आपको, तो उसमें मैं जो है तो पॉसिबल होगा तो टॉप 7 जोन में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो है टॉप 7 जोन में दिखा दूंगा और मैं आपको लेटेस्ट डेटा अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं ये 81 जो मैं बोल रहा था, ये हम लोग का सिकंदराबाद है, ये हम लोग का ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है। और अदर जोन का आप देख सकते हैं गुवाहाटी 93, बिलासपुर 130, जबलपुर 102,
कोलकाता 81, न्यू दिल्ली 112, ठीक है, न्यू दिल्ली 112, हाजीपुर 121, भुवनेश्वर 100, सिकंदराबाद 81, ठीक है, ये हम लोग का डाटा है। तो इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है, तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे कि इस तरह का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ कि सर ठीक है, आपने तो कहा कि यहाँ पे सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ होता है, तो मैं आपको लाइव, तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो है सो कि एएलपी सीवीडी 2 का कट ऑफ है, जोन वाइज आप देख सकते हैं कौन कौन से जोन का कितना कट ऑफ गया कैटेगरी वाइज है, और ये हम लोगों का जो है सो कि ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जोन वाइज कट ऑफ है, ग्रुप डी का भी जो रिजल्ट आया था इसका हम लोगों का जो है सो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी नोटिस आ चुका है, ठीक है, ये जोन वाइज कट ऑफ आप देख सकते हैं। और इसका भी एक्चुअली में जो है सो कि 16 से एग्जाम होना था, लेकिन कल ही इसका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो आज इसका अगला नोटिस आने वाला है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था फ्रेंड्स, साथ ही आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि यदि अगर आपने रेलवे लेवल 1 का ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया है तो आप तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हैं, सारा का सारा वीडियो लेक्चर फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है। और यदि अभी आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्दी से फॉर्म फिलअप करके तैयारी में लग जाइए, हमारे चैनल पे 300 से ज्यादा वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, सारा का सारा वीडियो लेक्चर फ्री है और सारा एकदम क्वालिटी वीडियो लेक्चर से, आप हमारा चैनल पे आइए, विजिट कीजिए, देखिए सारे लेक्चर्स को, जितने भी यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे सबसे बेस्ट लेक्चर है हमारे पास, साथ ही आपको रेलवे का पल पल का अपडेट देते रहते हैं, और अभी इसका जब तक लास्ट डेट नहीं हो जाता तब तक आपको हर एक घंटे का अपडेट मिलता रहेगा, कौन से जोन से कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।